इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत कमाल का तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपने ऐप्स को हाइड कर सकते हो। जैसे कोई ब्राउजर हो गया जिसमें आप अपनी हिस्ट्री को छुपाना चाहते हो, किसी को दिखाना नहीं चाहते, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे आप अपने सैमसंग फोन के अंदर या टैबलेट के अंदर कोई भी ऐप उसको हाइड कर सकते। तो आपको करना क्या, आपको यहाँ पर सर्च सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है हाइड ऐप्स। ठीक है, हाइड ऐप आप सर्च करोगे ना तो आपको यहाँ दिखेगा हाइड ऐप्स ऑन होम एंड ऐप स्क्रीन। अब आपको यहाँ से वो ऐप सेलेक्ट करना है जिसको आप गायब करना चाहते हो। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तीन ऐप्स को। ठीक है, एक तो ये यहाँ दिखाता रहेगा जो जो भी आप हाइड करना चाहते हो। दूसरा है UPX ब्राउजर, ठीक है, ये भी कर लेता हूँ और ये भी कर लेता हूँ। तो ये तीन ब्राउजर है और ऊपर यहाँ देखो डन दिख रहा है ना, वहां पे क्लिक करके जरूर रख लेना, नहीं तो हाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो डन करो एंड आपका काम बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको मैं होम स्क्रीन में लेके चलता हूँ। अब मैं वो ऐप सर्च करता हूँ जो मैंने हाइड किया है। देखो यहाँ पे पहले यूसी ब्राउजर करता हूँ, नहीं दिख रहा। अब मैं करता हूँ UPX, वो भी नहीं दिख रहा। तो इस तरीके से जो है आप अपने टैबलेट या फोन के अंदर एप्स को हाइड कर सकते हो बिना कोई अदर ऐप इंस्टॉल किए। ठीक है।